नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देवास के जिला पंचायत में हुई सामान्य सभा की बैठक में आज बुधवार को जिला पंचायत सदस्य मोना रविंद्र चौधरी ने शिक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए आंदोलन की बात कही। सदस्य मोना रविंद्र चौधरी ने बताया कि राजोदा क्षेत्र के स्कूलों का शिक्षा स्तर काफी खराब हो चुका है। यहाँ पर 260 बच्चे 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें सिर्फ 11 बच्चे ही उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई की गई है वह भी स्पष्ट करना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। अगर समय पर हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो हमारे द्वारा आंदोलन कर हड़ताल पर बैठेंगे। बताइए, आप कौन से गांव से अभी आज बैठक में आप सम्मिलित हुए थे और किन मुद्दों को लेकर आपने अंदर बात रखी? मैं राजोदा गांव से बैठी थी जिला पंचायत में, और वहां पे जो 10वीं का रिजल्ट आया उसके लिए मैंने मुद्दे उठाए थे कि वहां 260 बच्चों में से 11 बच्चे ही उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। वहां 4% रिजल्ट ही बना है। तो वहां पे यही है कि बस जिला पंचायत की तरफ से मैं बोल रही हूँ जिला पंचायत में आके कि वहाँ बच्चों का कुछ करें, शिक्षकों को लापरवाही है, शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। एक बड़ी लापरवाही शिक्षक की माने मापन? हाँ, एक बड़ी लापरवाही शिक्षक की है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे आपने जांच करी जाके कभी? हाँ, शिक्षक वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। कितने शिक्षक वहाँ पढ़ाते कुछ जानकारी है आपको? शिक्षक की लापरवाही है वहाँ। कितने स्कूल में शिक्षक पढ़ाते कुछ जानकारी है? वहाँ यही चार शिक्षक पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी आपने यह मुद्दा उठाया, क्या कुछ अंदर चर्चा हुई आपकी अंदर पंचायत? अंदर चर्चा यही हुई कि उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे और ये आपको जानकारी देंगे। अच्छा, अभी आपने बात कही कि आप भूख हड़ताल भी करेंगे? हाँ, हम शिक्षक के बच्चों के लिए लड़ेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। आपका परिचय? मोनू चौधरी, राजोदा। जिस तरह से जनपद सदस्य जिला पंचायत में और भूख हड़ताल की बात कही थी बच्चों के भविष्य को लेकर, किस तरह का मामला और क्या पूरा मामला? जी, राजोदा स्कूल और क्षेत्र के पूरे ज़िले के जो स्कूल की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। और अगर आप शिक्षा व्यवस्था की देखें तो हमारे जो शिक्षा के लिए जो जिम्मेदार है वो बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं। और राजोदा का जो 10वीं क्लास का जो अभी परीक्षा परिणाम आया उसमें 260 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से मात्र 11 बच्चे उत्तीर्ण हुए, मतलब 4.26% रिजल्ट आया, जो एक तरीके से शर्मसार करने वाली बात है। और ये बताता है कि हमारे जो शिक्षा अधिकारी है वो किस तरीके से सक्रिय है, ये उनकी नकारात्मकता को दिखाता है। इसको लेकर हमने प्रश्न उठाए थे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। जिम्मेदारी तय होना चाहिए और अगर उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया है तो क्या एक्शन लिया है वो हम लोगों को यहाँ पर सूचित किया जाए। और हमने उनको आगाह किया है कि अगर इस तरीके से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो हम लोग इसको लेकर के युवा किसान संगठन की पूरी टीम इसको लेकर के भूख हड़ताल पर बैठेगी। आपका परिचय? मैं रविंद्र चौधरी, युवा किसान संगठन से, साथ ही मैं 2 नंबर जिला पंचायत सदस्य मोनू रविंद्र चौधरी की तरफ से प्रतिनिधि हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।